क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से रिलेटेड है. इसमें एक सर्किट दिया गया, एलसी सर्किट. कहा गया इन एलसी सर्किट द इंडक्टेंस एल इज 40 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस सी इज 100 माइक्रो फैराड इफ अ वोल्टेज वी इज इक्वल टू 10 साइन 314 टी इज अप्लाइड टू द सर्किट द करंट इन द सर्किट इज गिवेन एज. तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट निकालना है. तो प्रोसीजर जो है फाइंड करने का वो हम लोग जानते हैं. सीरीज सर्किट में पहले हम लोग निकालते हैं इम्पीडेंस. जो इम्पीडेंस होता है ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स को यानी रिएक्टेंस को लिखते हैं एक्स सी माइनस एक्स एल, ऐसे लिखते हैं, है ना, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर. यह आएगा तो इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं, यानी ये जीरो है. ठीक. एक्स सी जो होता है ये होता है 1/ωc और एक्स एल होता है ओमेगा इंटू एल इसका होल स्क्वायर. तो ये रूट और स्क्वायर मिलकर गायब हो जाएंगे. ये आएगा 1/ωc. ओमेगा देखेंगे यहाँ पर दिया है 314 इंटू कैपेसिटेंस दिया है 100 माइक्रो फैराड, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो फैराड में, इसलिए माइनस ओमेगा एल. ओमेगा है 314 और एल का जो वैल्यू है वो दिया गया है 40 मिली हेनरी, 40 इंटू 10 पावर माइनस 3, है ना. तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 19.28. तो जब हम लोग करंट फाइंड करते हैं तो करंट में लिखते हैं जो ईएमएफ है उसका पीक वैल्यू बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई. फाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि टैन फाई जो होता है वो होता है एक्स बाई आर, है ना. एक्स यहाँ पर पॉजिटिव आया है, ठीक है ना, ये एक्स ही है, रिएक्टेंस है, ये पॉजिटिव आया है. और R जो है ये इन्फिनिटी है तो ये आ जाएगा एक तरह से प्लस पाई बाई, मतलब ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी आएगा एक्चुअली में कहा जाए तो. तो फाई का वैल्यू हम लिख सकते हैं प्लस पाई बाई 2, है ना. तो यहाँ पर देखेंगे E नॉट जो है ईएमएफ का पीक वैल्यू दिया गया है 10 डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू है 19.28 साइन, ओमेगा का वैल्यू है 314 टी प्लस पाई बाई 2. तो इसको हम लोग कॉस में लिख सकते हैं. ये जो वैल्यू है ये आएगा 0.52. अब इसको साइन को मैं कॉस में लिख सकता हूँ, कॉस 314 टी, है ना. तो बेस्ट ऑप्शन जो चुनते हैं हम लोग, देखते हैं कि करंट का वैल्यू क्या आता है. ये वाला आएगा 0.52, नहीं ये तो साइन में है, ये कॉस में पहला वाला है 0.52 कॉस 314 टी, है ना. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है.